करण जौहर के बाद अब कार्तिक आर्यन को एक और फिल्म से निकाला गया। दरअसल करण के एक करीबी ने ही कार्तिक को अपनी एक नई फिल्म से निकाला है। कौन है ये, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि जाह्नवी कपूर के साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद कार्तिक को दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया, जिसके बाद कार्तिक के लिए ये माना जा रहा था कि इंडस्ट्री में काम करना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप करण जौहर से पंगा लेते हैं, द करण जौहर से, तो ऐसे में आप कैसे इंडस्ट्री में सर्वाइव करेंगे। लेकिन साजिद नडियाडवाला ने उन्हें एक फिल्म दी और ये कहा जा रहा था हंसल मेहता के साथ वो एक फिल्म कर रहे हैं। लेकिन अब कार्तिक को एक और ऐसे शख्स ने अपनी फिल्म से निकाला है जो करण जौहर के बेहद करीबी है, रेड चिली एंटरटेनमेंट की, जी हाँ, यानी कि शाहरुख खान की एक फिल्म जो है उसमें से अब कार्तिक को निकाल दिया गया है। इस फिल्म का नाम है फ्रेडी। इसमें वो कैटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले थे, लेकिन इस फिल्म को लेकर ये फिल्म फिलहाल जो है ऑन फ्लोर नहीं गई थी, जबकि दोस्ताना की मैं बात करूं तो वो फिल्म बहुत ज्यादा जो है शूट हो चुकी थी। उसके बावजूद जो है कार्तिक को निकाल दिया गया। फ्रेडी से अब कार्तिक को निकाल दिया गया है और जो उसका रीजन है वो वही है जो दोस्ताना का सामने आया। तो कोमल नाहटा की खबर के अनुसार जो है कार्तिक आर्यन जो है स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहते थे, जबकि वो पहले स्क्रिप्ट अप्रूव कर चुके थे, साइन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए अब मना कर दिया गया है। इन ऑल द फेयरनेस ऑफ कार्तिक, इट मस्ट बी सेड दैट आफ्टर पार्टिंग वेज विद द प्रोडक्शन आउटलेट चिलीज, द एक्टर रिटर्न द ₹2 करोड़ साइनिंग अमाउंट। उन्होंने अपना 2 करोड़ का साइनिंग अमाउंट भी वापस लौटा दिया है। तो अब करण के साथ साथ रेड चिल्ली यानी कि शाहरुख की कंपनी ने भी कार्तिक से अपनी फिल्म वापस ले ली है फ्रेडी, जिसमें कार्तिक ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद साइन किया था। और खबर आ रही है कि बाद में वो चाहते थे कि फिल्म में स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाए, जो प्रोड्यूसर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था।